गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग दोनों भाई झारखंड के सबसे ऊंचा फॉल लोथ फॉल में हैं। चलिए आप भी मेरे साथ इस फॉल को एंजॉय कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में लोथ फॉल दिखाता हूँ, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल है। इस तरह से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है लोथ फॉल के लिए। हामी से हम लोग लोथ फॉल जा रहे हैं। यह देखिए, ये मिर्गी गाँव है। इस गांव में मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग स्कूल में साथ में हम लोग पढ़ा करते थे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड इस गांव में हैं। ये रास्ता का सबसे आखिरी गांव है। इसके बाद जो है आपको जंगल मिलना शुरू हो जाएगा। यहां से लगभग 5 किलोमीटर अभी बाकी है। यह फॉल झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल है और यह लातेहार जिला में महुआडार प्रखंड में पड़ता है। महुआडार से इसकी दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। और जो मेरा गांव का नाम हुआ हामी, हामी से इसकी दूरी 11 किलोमीटर है। झारखंड की राजधानी रांची से इसकी दूरी 193 किलोमीटर है और डाल्टेनगंज से 118 किलोमीटर। आप कहीं से भी आसानी से आ सकते हैं। यहां पे महुआडार में रुकने की सारी व्यवस्था है। बहुत सारे होटल बने हुए हैं महुआडार में, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और इस फॉल पे हमेशा टूरिस्ट लोगों का आगमन अच्छा खासा रहता है। मॉनसून सीजन को छोड़कर हर सीजन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी आपको। सामने आप देख सकते हैं कितना गाड़ी पार्क किया हुआ है, कितने टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। और अभी तो बहुत सारे होटल भी बन चुका है, जहाँ पर आपको खाना वगैरह आसानी से सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाएगी। आप यहां ऑर्डर पे चिकन वगैरह भी बनवा सकते हैं। जैसे आप कहीं से पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं यहां, तो फिर बर्तन गैस ये सब लेकर आने की झंझट नहीं है। यहां पे आइए और ऑर्डर कर दीजिए खाने का। यहीं पे आपको देहाती चिकन भी मिल जाएगा, देहाती मुर्गा यहां पे बनवाइए। और आप नीचे फॉल के पास तो लेकर नहीं जा सकते हैं, नीचे जो नदी बह रही है वहाँ पर आप खाइए, इंजॉय कीजिए। और यह देखिए, हम लोग लोथ फॉल के पास पहुंच चुके हैं। यहां से लोथ फॉल जो झरना गिर रही है उसकी दूरी लगभग 400 मीटर है। तो यहां नीचे से अभी ये सीढ़ी चढ़ते हुए हम लोग 400 मीटर ऊपर झरना तक जाएंगे। चलिए आप भी देखिए कितना खूबसूरत रास्ता से होते हुए इस फॉल पे जाया जाता है। ये सभी लकड़ी की बनी हुई बैठने का ये सब फिलहाल व्यवस्था कर दिया गया है। पहले तो ये सब कुछ बना हुआ नहीं था, लेकिन इस बार जब मैं आ रहा हूँ तो काफी कुछ चेंजिंग देखने को नजर आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है ये। बिल्कुल लग रहा है हम लोग दोनों भाई को कि केदारनाथ की घाटी हम लोग चढ़ रहे हैं। अक्टूबर में जब केदारनाथ गए थे तो ऐसा ही रास्ता से होते हुए हम लोग वो रास्ते में भी बगल में नदी बहती है और ऐसा ही पतला रास्ता है जो कि केदारनाथ के लिए भी जाता है। सामने देखिए लोथ फॉल नज़र आ रही है, अभी काफ़ी दूर है हम लोगों के पास से। ये तो बगल का नदी का दृश्य है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, एक बार आप भी आकर यहाँ पे इंजॉय कीजिए। काफ़ी मज़ेदार जगह है, शांति महसूस करना चाहते हैं तो आइए। देखिए रास्ता में अब ऐसा शेड भी बना दिया गया है, जब आप थक जाए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए। नीचे से लगभग फॉल की दूरी 400 मीटर है। काफ़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट भी आए हुए हैं। न्यू ईयर की वजह से अभी बहुत भीड़ भाड़ चल रहे हैं यहाँ पे। इस घाटी को देखकर हम लोगों को केदारनाथ घाटी की याद आ गई। फिलहाल हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लोथ फॉल पे पहुंच चुके हैं।
इस बार तो यार काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। ये सब कुछ पहले बना हुआ नहीं था, ये फिलहाल 1 ईयर के अंदर बना हुआ है। ये सब गवर्नमेंट जो है ध्यान दी हुई है टूरिज्म पे। लकड़ी का पुल बना दिया गया है, ये सब कुछ पहले था नहीं। वैसे मेरे देखने में तो ये सब और यहाँ की खूबसूरती को ख़राब कर दिया गया है, लेकिन अब सेफ हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले यहाँ पे बहुत हादसा हुआ करता था, कितना बार यहाँ पे कोई गिर के मर गए हैं या फिर किसी को मार के फेंक दिया गया है, इस तरह का दुर्घटना यहाँ पे बहुत बार हो चुका है। देखिए आप भी खूबसूरत नज़ारा का आनंद लीजिए। यह पानी को देखिए कितना गहरा पानी होगा, ये आप इसी पानी की धारा से आप समझ सकते हैं। यदि हल्का सा भी पैर फिसल गया तो फिर यहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप आए तो सावधानी से यहाँ पे चले, शराब पी कर ना आए, क्योंकि यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। आए पिकनिक मनाए सावधानी से, शराब पी कर तो यहाँ पे आए ही ना। देखिए कितना तेज धारा है ये। आज यहाँ पे काफी टूरिस्ट भी आए हैं, वैसे तो हमेशा आते हैं लेकिन अभी न्यू ईयर की वजह से काफी संख्या में अभी टूरिस्ट है। और लग रहा है कोई मूवी की शूटिंग हो रही है, शायद नागपुरी मूवी की शूटिंग हो रही हो, या फिर अभी तो रील बनाने वाले का भी ट्रेंड चला हुआ है, लगता है ये रील बनवाने आई हुई है कहीं से। देखिए एक पेड़ को कैसे, ये पेड़ को ये चट्टान के सहारे ये पेड़ जो है रुका हुआ है उतना ऊंचाई पे। और चलिए अब हम लोग वापस जा रहे हैं दोनों भाई, हम लोगों का घुमा हुआ हो गया। आप लोग भी कभी आइए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आइए, मैं यहाँ पे आपका स्वागत के लिए रेडी रहूँगा। यदि आप आ रहे हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा, यहाँ पे स्वागत के लिए मैं उपलब्ध हूँ। अभी फ़िलहाल 5 जनवरी तक मुझे यहीं पे रहना है अपने गांव पे। इस फॉल से मेरे गांव की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है, तो आप जब भी आइएगा मैं 5 जनवरी तक आपको यहीं पे मिलूँगा। काफ़ी घूमने का जगह है, बहुत जगह आपको घुमाऊँगा भी। चलिए अब हमारा काफिला जो है घर के लिए प्रस्थान कर चुका है, थंडरबर्ड से आए हुए थे हम लोग।